नमस्ते भाइयों, एंड्रॉइड वेडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मीवी डुओ पॉड्स K7 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। आज के इस वीडियो में बताऊंगा मैं डुओ पॉड्स K7 के बारे में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये ईयरफोन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अंडर 1500 रुपीज, 1499 में आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए पैकेट को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर से क्या कुछ चीज़ें निकलता है, क्या कुछ एक्सेसरीज मिलते हैं आप लोगों को इस ईयरफोन के साथ में। तो ये है डुओ पॉड्स K7 का बॉक्स पैकेजिंग। डुओ पॉड्स K7 लिखा गया है, ऊपर में मीवी का ब्रांडिंग है, ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लिखा गया है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, साथ ही में पावरफुल बेस लिखा गया है और क्रिस्टल क्लियर ऑडियो मिलता है आप लोगों को। इस साइड में देखेंगे पुश द लिमिट्स लिखा गया है। पीछे की तरफ देखेंगे तो कुछ की स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे क्लियर कॉल्स विथ AI ANC का फीचर मिलता है, सुपर सॉलिड बेस मिलेगा आप लोगों को, पावरफुल ड्राइवर्स है, साथ ही में लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 है, IPX4 का वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा, वन टच प्ले पॉज और आंसर कॉल्स का ऑप्शन मिलेगा और प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। बॉक्स को ओपन करते ही फर्स्ट में मीवी का तरफ से एक कार्ड मिलता है, जिसके अंदर में आप लोगों को वारंटी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। रजिस्टर करने पे आप लोगों को 1 ईयर वारंटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को एक यूजर मैनुअल मिलेगा, ओवरऑल कंट्रोल्स कैसे है, कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ में एक वेलकम टू द क्रू करके एक और कार्ड दिया गया है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मीवी डुओ पॉड्स K7 का चार्जिंग केस, पूरा शाइनी ब्लैक फिनिश में है जैसे कि देख सकते हैं। साथ ही में अंदर की तरफ देख सकते हैं कुछ ग्लिटर्स वगैरह दिख रहे हैं। मीवी का ब्रांडिंग ऊपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चार्जिंग केस का साइज काफी कॉम्पैक्ट और बहुत ही हैंडी है, एकदम छोटू सा चार्जिंग केस आप लोगों को देखने को मिलेगा और ओपन करने के बाद आप लोगों को अंदर में ही ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि देख सकते हैं। ईयरबड्स का लुक्स देख सकते हैं काफी यूनिक है, शाइनी मेटालिक फिनिश यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं काफी खूबसूरत देखने में। साथ ही में यहाँ पे एंगुलर डिजाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंगुलर डिजाइन होने के कारण बहुत ही अच्छी तरीके से और सिक्योरली फिट हो जाता है। इनको कान में लगाने के बाद अगर आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या फिर रनिंग वगैरह करते हैं तो भी आसानी से यहाँ पे गिरने का चांसेस नहीं है। बॉक्स के अंदर एक और एक्सरसाइज बॉक्स देखने को मिलता है आप लोगों को, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आप लोगों को मिलेंगे, साथ ही में एक USB A to USB C केबल चार्जिंग के लिए दिया गया है। बॉक्स से निकालते ही ये पेयरिंग मोड पे आ जाते हैं, इजी टू पेयर है, आप लोग इजीली इसको पेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन टू कनेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होता है। आप लोगों को ईयरबड्स को बॉक्स से निकालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ईयरबड्स कनेक्ट होंगे आपके स्मार्टफोन के साथ में। अब चलिए बात करते हैं इनके ऑडियो क्वालिटी के बारे में। ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले चलिए यहाँ पे एक फीचर के बारे में बताते हैं। यहाँ पे ईयरबड का इंडिविजुअल वॉल्यूम कंट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि मोबाइल का वॉल्यूम कंट्रोल अलग से होगा और ईयरबड का वॉल्यूम कंट्रोल अलग से होगा। ईयरफोन के वॉल्यूम को एकदम हाई करने के बाद भी आप लोग मोबाइल के वॉल्यूम को अलग से हाई में लेके जा सकते हैं, यानी कि दोनों का अलग वॉल्यूम सेटिंग आप लोगों को मिलेगा। राइट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेफ्ट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ईयरफोन के वॉल्यूम को और मोबाइल के वॉल्यूम को दोनों को आप लोग सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गेमिंग मोड का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो बॉक्स पे कहीं पे मेंशन नहीं था, लेकिन जब मैं यूज़र मैनुअल पढ़ रहा था तो यूज़र मैनुअल के अंदर ये गेमिंग मोड के बारे में मुझे पता चला। तो ये चीज़ साबित करता है कि कभी कभी हम लोगों को यूज़र मैनुअल भी पढ़ लेना चाहिए। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा बेस, क्योंकि यहाँ पे बेस बूस्ट टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलता है और अच्छा वाला बेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेस कर दिया लेकिन ऑडियो में कोई बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ऑडियो में काफ़ी बैलेंस के साथ साथ आप लोगों को बेस काफ़ी अच्छा मिलेगा, वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल्स भी आप लोग काफ़ी क्लियरली सुन पाएंगे। तो अगर आप लोग इस बजट रेंज के अंदर एक अच्छा साउंडिंग TWS चाहिए, साथ ही में ईयरबड्स का लुक्स भी आपके लिए मैटर करता है, तो डेफिनेटली आप लोग इस ईयरबड्स को कंसीडर कर सकते हैं। इस ईयरबड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे 1499 प्राइस के साथ अभी ये मिल रहा है, लेकिन बाद में प्राइस इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, तो लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर आप लोग करेंट प्राइसिंग चेकआउट कर सकते हैं। और यहां पे मैं इन ईयरबड्स को गिव अवे करने का सोच रहा हूं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा वीडियोस देखते नहीं हो या फिर लाइक शेयर नहीं करते हो। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स, अगर आप लोग 200 लाइक्स कम्प्लीट कर देते हो तो यहाँ पे मैं ये ईयरबड्स को गिव अवे कर दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे गिव अवेज और आप लोगों को मिले
तो आप लोग चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहे। मिलते हैं भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।